मलेरकोटला में जहां आज मलेरकोटला में सरकारी कॉलेज में कॉलेज के प्रोफेसरों की तरफ से पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि पंजाब सरकार 2003 से पंजाब में सरकारी कॉलेज चलाने वाले गेस्ट फैकल्टी और असिस्टेंट प्रोफेसरों के रोजगार को आकर्षित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। एक तरफ घर घर जाकर रोजगार का नारा लगा रही है, वहीं सरकार दोबारा युवाओं को रोजगार मेलों में जाने के लिए मजबूर कर रही है और उन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो दूसरी तरफ सरकारी कॉलेजों में कम वेतन पर काम करने वाले सरकारी नौकरी करने वाले युवा कर्मचारी सरकारी कॉलेजों में काम कर रहे हैं, उन पुराने कर्मचारियों को सरकारी कॉलेजों में रोजगार से वंचित करने को लेकर नए पदों को भरने के लिए नीति जारी की गई, जिसके तहत आज सरकारी कॉलेज मलेरकोटला द गेस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसर की तरफ से कॉलेज का काम बंद करके सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। उनका कहना है कॉलेज में पहले से ही काम कर रहे हैं, उनको यहाँ से ना निकाला जाए। मलेरकोटला से जावेद अंजुम की रिपोर्ट। अज असी इतने पंजाब गैसट फैकल्टी सहायक प्रोफेसर एसोसीएशन के सदे से धरना दे रहे हैं। धरने का कारण साडा ये आ कि असी जिहड़े प्रोफेसर आ पिछले 18 to 20 साल तो निगुणियां तनखाहां ते सरकारी कालजां विच काम करते हैं। पहला साडी तनखा 5,000 सी, उस तो बाद 7,000 हुई, उस तो बाद 2016 तो सानू 21,600 मिलने लग्या, जिहदे विचों 11,600 पीजे दे विचों ते 10,000 पंजाब सरकार वल्लों दित्ता जांदा। तो पिछले समय के सरकार दीआं नलायकियां कारण जां कोर्ट केसां कारण पक्की भर्ती नहीं हो सकी, ये जिहदे विच असीं भी उड़ीकदे रहे, असीं उड़ीकदे उड़ीकदे ओवरेज भी हो गए। पर अज जिहड़ी हुण नवीं सरकार बनी है, इन्हां ने पोस्टां कढ़ियां वधिया काम आ भी, हाँ जी रुजगार मिलना चाहिदा नवें बच्चों नूं, रुजगार असीं भी आप कहिंदे आ रुजगार देना चाहिदा, पर उहदे विच साडे ते तलवार धरी आ इन्हां ने, भी तलवार इस तरह धरी आ कि साडियां पोस्टां छड के जां तां उह पोस्टां उह सरकार किस तरह रखूगी। तो सिक्ख्या सकत्र ते सिक्ख्या मंत्री जी कहिंदे असीं किसे भी हालत विच तुहानूं नहीं कढ़ांगे, पर असीं इह डिमांड करदे आ भी सानूं कोई ना कोई इहदा प्रूफ दे दिओ, सानूं लिखती पता लग जाए कि हाँ जी तुहानूं नहीं कढ़ा जाऊगा। पर जदों पक्की भर्ती हुंदी आ तां आटोमैटिक आ भी जिहड़े इन्ने 20-20 सालां दे काम करदे ने उह बंदे रिलीव हो जाणगे, इहनां दे परिवारां दा हुण गुजारा औखा हो जाऊगा। ते इहनां लई इक रखी आ उहनां ने शर्त भी तुसीं टैस्ट दे लो, भी टैस्ट दे विच तुसीं कंपीट कर लो। उहदे विच साडी डिमांड इह आ भी जिहड़े असीं हुण 20 साल पढ़ाई दे नालों जिहड़ी साडे ज़्यादा सिलेबस सीगे उहदे नालों असीं अलग हो के असीं इक पार्टिकुलर सबजैक्ट पढ़ा रहे हाँ, थोड़े थोड़े सबजैक्टा दे असीं लिमिटड हो गए। तो उस बाद हुण असीं नवें बच्चों किवें कंपीट करांगे 20 सालां दे बाद जदों साडी मैमरी भी वीक हो चुकी है। किसे भी आप करमप्रीत कौर, प्रोफेसर करमप्रीत कौर, ते मैं बीएड कॉलेज मलेरकोटला दे विच पिछले 10 सालों तो पढ़ा रही हाँ। तो सरकार तो असीं यही मंग करते हाँ कि सानू नवीं पोस्टां चाहे वह जिन्नी मर्जी कढ लैन, बट सानू ना तो साडियां पोस्टां तो हिलाया जाए तो साडी जिहड़ी तनखाह है वह वधा के दित्ती जाए, क्योंकि पिछले 10-20 सालों तो असीं बहुत ही निगुणियां तनखाहां ते काम कर रहे हाँ। तो मंग करते हाँ कि तनखा वधाई जाए तो साडी पोस्ट नूं सिक्योर किया जाए। हाँ जी, असीं सरकार तो यह मंग करते हाँ जिहड़ियां खाली पईआं पोस्टां ने सरकार उन्हां नूं भर लवे, जिहड़े असीं बैठे हाँ जिन्हां ते पार्ट टाइम गैस्ट फैकल्टी असीं बैठे हाँ उन्हां नूं सानूं सेव किया जाए। क्योंकि असीं जदों सकत्तर साहब नूं मंत्री साहब नूं मिलदे उह कहिंदे वी असीं तुहानूं कढ़ना नहीं है, असी तो आल एज इट इज़ रखांगे, पर जदों फिर नमें बंदे आनगे तो नैचुरली भी सानू कढ़िया जाऊगा। असी ये मंग करते हैं भी जिहड़ियां पोस्टां वेली पईआं ने वो भरिया जान, कि सानू ना छेड़िया जाए और साडियां तनखाह वधाईआं जान, जबकि असी थोड़ी तनखाह दे बहुत देर तो कम करते आ रहे। सर, हमारी सरकार से सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट है कि हम गेस्ट फैकल्टी पार्ट टाइमर की जॉब के ऊपर जो उन्होंने इस टाइम तलवार टांगी है उसे हटा दिया जाए, हमें सेव करके बाकी की बचती पोस्ट वो निकाल दें और हमें जो सैलरी दी जाती है पीटीए में से दी जाती है वो सैलरी पीटीए में से निकाल के हमें सेव कर दिया जाए। उसके अलावा उनके पास जितनी खाली पोस्टें बचती हैं वो निकाल दें, लेकिन हमारे फ्यूचर जो है, हमारे बच्चों का फ्यूचर वो ख़राब ना करें। बस हम सिर्फ सरकार से इतनी गुजारिश करते हैं।